अस्सलाम नाज़रीन, आपको वामी बात में खुश आमदेद कहते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं इमरान समीर, एक फेमस फिल्म एंड टीवी एक्टर। तुमने गुल और जहान को मारकर बहुत बड़ा जुल्म किया है। बेगुनाह थे वो, बेगुनाह। पैसों का इंतजाम है, काम हो जाएगा। मैं जुनेद को जंगल वाले पॉइंट पर ले आऊंगा और वहीं पर उससे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन भी करवा दूंगा। बस मेरे हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाए, जो मांगोगे दूंगा। मैं तुम्हें वॉर्न करने आया हूं, साजिद से दूर हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना सलाखों के पीछे हो गए तुम। इंस्पेक्टर, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है बहुत सारे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि उससे दूर हो। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान समीर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपको खुश आमदेद कहता हूँ मैं अवामी बात में। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि शोबिज़ के फील्ड में आपकी एंट्री को बचपन का शौक था आपको या किसी के रेफर से आप आए? डॉक्टर साहब, शौक तो बचपन से ही था। जब मूवीज देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था और दिल में ख्वाहिश होती थी कि हम भी इसी तरह परफॉर्म करें, तो शौक था। तो लेकिन ये है कि जब बड़े हुए फील्ड में आना चाह तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तो लेकिन ये है कि फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब आप ही ने अपने प्रोजेक्ट में चांस दिया था, जो कि मेरा जो है एक पहचान बनी, जो मेरा नाम बना। शुरू में बिल्कुल एक छोटा सा कैरेक्टर आपको मिला था ब्लैक ईगल में, एक एक्स्ट्रा का रोल आपको मिला था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपको अभी भी याद है। तो वाकई में मुझे बहुत एक स्मॉल सा मिला था जिसमें विलन के पीछे जो है ना मैंने सिर्फ गन लेके जाना होता था, और हार्डली मेरे ख्याल एक या दो डायलॉग थे मेरे। असल में मैं शुरू से ही चाह रहा था कि आप निचले लेवल से वो अपर तक आए, ताकि आप एक अच्छी पोजीशन में हो, कि आप जब सीढ़ियां चढ़ के आओगे ना तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। और आपने देखा नेक्स्ट, जब आपने सेकंड प्रोजेक्ट था फरार, उसमें आपने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो ये बताएं, फरार मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपका जो है ना ये प्रोजेक्ट था, और मुझे बहुत उसमें काम करके अच्छा लगा। और मेरा मुझे उस हिसाब से उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक छोटे लेवल से ही बंदा जो है ऊपर जाता है, और नो डाउट वो चीज़ जो है ना मुझे आज काम आई। तो जो फरार मूवी है वो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस लिहाज से भी कि उसमें
ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैं, सिर्फ ये रोमांस वगैरह नहीं है, उसमें एक्शन बहुत अच्छा है और उसमें उसके गाने बहुत अच्छे हैं, उसकी जो सीन जहाँ पे शूट किया गया है, फिल्माए गए हैं, बहुत सारी जगह हैं, वो जगह बहुत अच्छी हैं। बल्कि इस फिल्म में मैंने भी काम किया और एक्शन भी किया और एक्शन सारा जेन्युइन, यानी जितनी फाइट थी जेन्युइन, बल्कि दो तीन जो थे एक्टर वो जख्मी भी होते इसी दौरान। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी याद है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका जो खैर रोल था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और यकीन माने मुझे एक आपका जो है इसमें रोल बहुत पसंद आया था, वो भी इस लिहाज से भी कि उसमें एक्शन जो है वो बहुत बेहतरीन किया था आपने, नो डाउट, और उसमें जख्मी भी हुए थे, इवन कि मैं भी जब आपने मुझे एक जगह पे एक ऊंची जगह से पानी में छलांग लगाने का कहा था, 15 फुट ऊंची जगह थी, वहां से पानी में छलांग मारनी थी, जी जी, नीचे पत्थर थे, पानी के अंदर ठीक ठाक सब। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उससे मैं भी जख्मी हो गया था और तकरीबन एक महीने का बेड रेस्ट मुझे मिला था उसमें। उसमें खावल युग था, उसका पांव काट दिया था, वो जख्मी था, उसके अलावा जेब को लगी थी काफी सारी चोटें, तो लेकिन ये है कि बड़ी एडवेंचर और जेन्युइन जिसको कहते हैं ना स्टंट, सब एक्टरों ने किए थे, क्योंकि इसमें कोई स्टंट मैन तो था नहीं, जितने भी करेक्टर थे उन्होंने जो भी उनकी परफॉर्मेंस है सब उन्होंने खुद ही निभानी, क्योंकि मेरी अमूमन प्रोजेक्ट में यही होता है कि उसमें जितने भी आप स्टंट होते हैं सब ओरिजिनल होते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस फील्ड में, शोबिज के फील्ड में आपका आइडियल कौन है? डॉक्टर साहब इस फील्ड में आइडियल की जहाँ तक बात है तो एजाज बेग साहब मेरे हार्ट फेवरेट जो है ना पर्सन है और वही मेरे आइडियल हैं, क्योंकि उनके ड्रामाज मैं बचपन से देखता आ रहा था, वो उनके जो करेक्टर हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे विलन का हो चाहे अच्छा करेक्टर हो, तो वो उसको ऐसे अदा करते थे कि जैसे हकीकत में वो वही हैं। एजाज बेग साहब माशाल्लाह लेजेंड है जी, बिल्कुल लेजेंड है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में हमारे भी काम किए और बड़े ही पॉजिटिव शख्सियत है उनकी, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जब आपने एक फिल्म थी लास्ट ट्रिप में उसमें आपने काम किया, इसके अलावा जाल मूवी में आपका काम था, तो इन दो प्रोजेक्ट में क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्या महसूस हुआ आपको? एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, दोनों उनके जो करेक्टर से बिल्कुल जुदा जुदा थे और यकीन नहीं आता कि ये एक ही वो इंसान है जो ये दो करेक्टर अदा कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे कि सेम टू सेम ये वही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें काफ़ी सारी जो है ना मुझे गाइडलाइन उन्हीं की तरफ से मिली थी, बहुत उन्होंने प्यार से समझाया डायलॉग डिलीवरी के बारे में, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, कहाँ पे एक्सप्रेशन देने हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्टर साहब आपकी भी माशाल्लाह बहुत मुझे हेल्प मिली है, नो डाउट आपने भी बहुत जगह पे मेरी रहनुमाई की है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे जो लास्ट ट्रिप मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मैं अपना कह सकता हूँ। तैयब अब्बास था उसमें आपके साथ एज ए हीरो और बड़ा जबरदस्त जोड़ी थी आप लोगों की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तैयब अब्बास बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और मेरा और उनकी जोड़ी जो है वो साथ और जोड़ी जो हमारी बहुत मशहूर हुई, वाकई नो डाउट अभी भी लोग जो हैं वो हमें इकट्ठा देखना चाहते हैं काम करते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप आएंगे, तैयब भी आपके साथ आएगा अगर प्रोजेक्ट से होता। अच्छा ये मुझे बताएं कि इस फील्ड में मुश्किलात आपको क्या पेश है, क्योंकि शोबिज़ में मुश्किलात आती हैं, आपको जहाँ तक मेरी आगाही है कि आपको किसी के पास भागना तो नहीं पड़ा काम के लिए, लेकिन मुश्किलात होती हैं, तो आप किस किस्म की मुश्किलात आपको पेश है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये नए आने वालों के लिए भी बहुत ही एक अहम चैलेंज होता है ये मुश्किलात। डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में मुझे आई थी जब मैं दो तीन जगह पे काम करने के लिए गया था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ से यही चीज़ मिली कि आप पैसे अदा करें आपको रोल मिलेगा, तो वो काफ़ी जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग थिंग थी वो, और मेरा जो है ना मैं समझे कि मैं डिसहार्ट हो गया था उस चीज़ से, लेकिन ये अच्छा हो गया कि मुझे आपका जो है ना साथ मिला, स्टूडियो 7 का साथ मिला, एजाज बेग साहब का साथ मिला, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो गई और बहुत जल्द ख़त्म हो गई। आपको याद है कि मैंने आपको जब फील्ड में आए थे तो आप मेरे भाई हैं, सके भाई हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जब आप फील्ड में आए हैं तो आप भाइयों वाला रिश्ता ख़त्म, क्योंकि फील्ड के दौरान एक एक्टर एंड डायरेक्टर का रिश्ता कायम रहेगा और वही कायम रहा है, और इस दौरान आप सबसे ज़्यादा डांट पीट भी आपके साथ होती थी, लेकिन उस चीज़ ने आपको निखारा है और यही चीज़ आपको आगे काम आएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये सच्ची बात है, और मैं जब ऑन द सेट होता हूँ तो यकीन माने कि कभी भी मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि आप मेरे बड़े भाई हैं,
तो हमेशा आपने भी खैर ऐसा कभी शो नहीं होने दिया कि मैं भाई को जो है ना मैं ज़्यादा चांस दूँ या दूसरे को कम दूँ। जैसा कि आगे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मुझे बहुत छोटे से रोल से ना दो तीन छोटे रोल से मुझे आगे जा के चांस मिला और उसमें जो है अल्लाह पाक ने करम किया और मेरी मेहनत भी शामिल थी कि मैं अपने आप को इस काबिल किया, इस चीज़ को मनवाया कि मुझे भी कैरेक्टर जो है ना अच्छे मिल सकते हैं। नो डाउट तब आपने जाके मुझे जो है ना वो एक इसमें फरार में चांस दिया था जो कि बहुत पसंद किया गया, उसके बाद जाल में मुझे चांस मिला, फिर उसके बाद लास्ट ट्रिप वन ऑफ द बेस्ट मूवी है तो इसमें मुझे चांस मिला, बेग साहब भी साथ थे, बहुत अच्छा ये चांस मिला। और ये तो सिर्फ रूमर्स हैं, सिर्फ बातें होती हैं कि भाई हैं तो आपको जो है ना अच्छा चांस मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में मैंने शो जब से शो में तकरीबन 26 साल मुझे भी हो गए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि असूलों को सामने रखा जाए, डिसिप्लिन को सामने रखा जाए, उसके तहत जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसीलिए मेरी जितने भी कॉलीग्स हैं सबके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे, और मेरे जो टीम यूनिट होता है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि एक तो हक किसी का नहीं मारते हम लोग। हम लोग वही बात है कि पसीना खुश्क होने से पहले एक्टर का मुआवजा, ये मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले उसको दूँ, और यही रूटीन मैंने रखी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, टीवी में, फिल्म में, किस में काम करना चाहेंगे आप, ख्वाहिश होती है बंदे की अपनी? बेसिकली डॉक्टर साहब मैं मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना अगर आप कहें तो मेरा मूवीज़ में, ड्रामे जो हैं हमारे पाकिस्तान के नो डाउट बहुत अच्छे ड्रामाज होते हैं, लेकिन मेरा जो माइंड सेट बना हुआ है वो एक्शन हीरो या एक्शन विलन की तरफ बना हुआ है। ठीक है, हमारे ड्रामास में रोमांटिक जो है सीन्स या रोने धोने वाले, आजकल जो घरों में मसले मसाइल चल रहे हैं तो ये चीज़ जो है ना उल्टा आपको जो है ना एक इंटरटेन करने के बजाय आपको जो है ना वो डिप्रेस कर देती है। ठीक है, मतलब लोग देखते हैं टीवी देखते हैं इंटरटेन होने के लिए, लेकिन जब उन्हें ये चीज़ें नज़र आती हैं तो ज़ाहरी बात है वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आपके प्रोजेक्ट्स जो है ना इन चीज़ों से साफ़ होते हैं, इसीलिए मुझे इस जगह पे काम करने का मज़ा भी आता है और बहुत सारे लोग जो है हमारे जो साथ काम करते हैं वो भी इसी चीज़ को जो है ना पसंद करते हैं। अच्छा, समीर रहमान के साथ आपकी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके 2 शूट भी हो चुके हैं, रिवेंज 2 तो वो भी है, और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जाल 2। तो जाल 2 में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है समीर खान के साथ? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाल 2 में जो है नौजवान है समीर भी, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट समीर अमान वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं और बहुत अच्छी उनकी जो है ना एक्टिंग है, और मैं उनका काम क्योंकि पहले भी देख चुका था तो जब जाल में उनके साथ काम करने का मौका मिला बहुत अच्छा लगा। अब जाल 2 हमारी बनने जा रही है जिसके 1-2 शूट्स हो चुके हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली यही मैं डॉक्टर साहब कहना चाह रहा हूँ कि ये रूटीन से हट के जो है ना हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके होते हैं कि ये रोना धोना साजिशें करना ये मतलब एक रूटीन चल पड़ी है हमारे ड्रामों में और ये चीज़ें जो है ना इनसे लोग बोर हो चुके हैं। तो बेसिकली मेरा भी इसीलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट नया होता है, एक मतलब जो लोकेशंस होती हैं वो न्यू होती हैं, एक्शन होता है इसमें, रोमांस भी होता है नो डाउट, सॉन्ग्स हमारे बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं इसमें, तो इसीलिए जो है ना ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोजेक्ट में काम करने का। नए आने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो सीख कर आए, पढ़ के आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए आने वाले के लिए डॉक्टर साहब मेरा पैगाम यही है कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपके इस फील्ड में आने से पहले शौक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको शौक है तो आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, और अगर आपको सीखने का मौका मिल जाता है तो नो डाउट आप सीख के आएँ, किसी एकेडमी में आएँ, आप ट्रेनिंग ले लें जैसे कि मैंने ली थी, मैं एजाज बेग के साथ काम करता रहा हूँ, उनसे सीखता रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपके जो मार्शल आर्ट क्लब्स हैं उसमें मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग लेता रहा हूँ। अच्छा, राशिद मलिक साहब के साथ भी एक प्रोजेक्ट था आपका वफा, उसमें क्या एक्सपीरियंस आपको? राशिद मलिक भी बड़ा एक जबरदस्त एक्टर है हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, राशिद मलिक साहब बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। मेरा ख्याल कि राशिद मलिक के जैसे एक्सप्रेशन को, विलेंस के एक्सप्रेशन पाकिस्तान में चंद ही लोग हैं जो दे सकते हो, तो राशिद मलिक उनमें से एक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, राशिद मलिक साहब की अगर बात करते हैं तो बेग साहब के बाद अगर आप कहते हैं कि मेरे फेवरेट कौन है तो वो राशिद मलिक साहब, क्योंकि वो हमारी जो पश्तो इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी उनका काम है, हमारे जो हिंको ड्रामास होते हैं उसमें भी काफ़ी उनका जो है ना काम देखा गया है, और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन और बहुत प्यारी एक्टिंग करते हैं नो डाउट, और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं,
और मुझे जब भी मौका मिलता है, और मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू इमरान समीर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चला है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गरीब लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।